ये एक एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ट्रैकर है जो मैंने एक्सेल में बनाया है। न्यू फॉर्मेट बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। टॉप पर है हमारे एम्प्लॉय नेम, मंथ और ईयर। जब हम मंथ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक ड्रॉपडाउन नज़र आता है। हम ड्रॉपडाउन से मंथ चेंज कर सकते हैं। अभी मंथ है जनवरी और यहाँ पर जनवरी के सारे डेट्स नज़र आ रहे हैं। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ फरवरी तो फरवरी के सारे डेट्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जब मैंने फरवरी सेलेक्ट किया तो सारा का सारा डेटा मेरा पुराना ही नज़र आ रहा है यहाँ पर, और मेरा डेटा ब्लैंक नहीं हुआ है। डेटा ब्लैंक करने के लिए हमें क्लिक करना होगा न्यू शीट पर। जैसे ही हम क्लिक करेंगे न्यू शीट पर, सारा का सारा डेटा यहाँ ब्लैंक हो चुका है और पुराना जो हमारा डेटा था वो यहाँ पर है। मीन्स जैसे ही मैंने न्यू शीट पर क्लिक किया, एक न्यू शीट इंसर्ट हो चुका है और वो शीट है ब्लैंक। जब भी हमें न्यू शीट क्रिएट करना होगा तो हमें पुराने शीट को रीनेम करना होगा। मैं इसे रीनेम कर देता हूँ 1। अब मैं वापस क्लिक करूँगा न्यू शीट पर और एक न्यू शीट इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर। आते हैं पुराने शीट पर, यहाँ पर हैं डेट्स और डेज और वीक ऑफ के जस्ट बाद है हॉलीडेज। फिलहाल कोई भी हॉलीडेज नज़र नहीं आ रहा है। जब मैं यहाँ मंथ चेंज करता हूँ जनवरी, तो यहाँ जनवरी के हॉलीडेज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं और हाईलाइट भी हो चुके हैं। वीक ऑफ में जब हम यस सेलेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा रो हमारा हाईलाइट हो जाएगा। टाइम इन, टाइम आउट और ब्रेक्स के जो टाइम है वो हमें मैनुअली इंसर्ट करना होगा। जब हम राइट साइड में आते हैं तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटेड हैं, मीन्स फॉर्मुलेटेड हैं। आते हैं लेफ्ट साइड में। इस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमें कुछ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने एक सेटिंग शीट क्रिएट किया है। सेटिंग शीट में होंगे मंथ्स, ईयर और हमारा हॉलीडेज लिस्ट। हॉलीडेज लिस्ट में डेट्स होंगे और हॉलीडेज के नेम होंगे। तो चलिए हम एक न्यू फॉर्मेट बनाना स्टार्ट करते हैं। शीट 1, इसको हम रीनेम करते हैं सेटिंग्स। ये होगा मंथ्स, ईयर्स हम टाइप करेंगे जनवरी, एंटर। इसे हम नीचे तक ड्रैग कर देंगे, मींस दिसंबर तक हम ड्रैग कर देंगे। कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं। ईयर्स 2024, एंटर। इसे हम सेंटर में लेते हैं और नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। फिल सीरीज, सभी को सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर्स क्रिएट कर लेते हैं। हेड्स को सेलेक्ट करते हैं, इसे सेंटर में लेते हैं और यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे। रो साइज़ को इनक्रीज कर लेंगे, पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे और इसे सेंटर में ले लेंगे। कॉलम नंबर ए को थोड़ा क्लोज लेंगे, इसे भी थोड़ा क्लोज लेंगे। ये होगा डेट्स और ये होगा हॉलीडेज, मीन्स हॉलीडेज नेम। सेलेक्ट करते हैं इसे, सेंटर में लेते हैं, कलर इंसर्ट कर लेते हैं। कॉलम साइज़ को एडजस्ट करते हैं, यहाँ बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। हम अपना हॉलीडेज लिस्ट अपने एग्जाम्पल फाइल से ले लेंगे। मैंने हॉलीडेज लिस्ट एग्जाम्पल फाइल से ले लिया है। जाएंगे व्यू में, शो और ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। सेटिंग्स की स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर लेंगे। न्यू शीट इंसर्ट करते हैं, इसका नाम होगा एंट्री शीट, या फिर मैं यहाँ अपना नाम दे देता हूँ, ऑफिस मॉन्क। ये प्रोडक्टिविटी ट्रैकर हम ऑफिस मॉन्क के लिए क्रिएट करेंगे। पूरे शीट को सेलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और सारी चीज़ों को मिड में ले लेंगे। कॉलम नंबर ए को थोड़ा क्लोज लेंगे, B6 पर क्लिक करेंगे। ये होगा डेट, डे, वीक ऑफ्स, हॉलीडेज, टाइम इन, ब्रेक 1, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, ब्रैकेट में लेंगे, स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे और सारी चीज़ों को सेंटर में ले लेंगे। फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे। फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। ये होगा ब्रेक 1 एंड, इसे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ टाइप करेंगे एंड, एंटर। इन दोनों को कॉपी करेंगे कंट्रोल सी या कमांड सी और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये हो जाएगा ब्रेक 2, मींस ब्रेक 2 स्टार्ट, और ये भी हो जाएगा ब्रेक 2, ब्रेक 2 एंड, और ये हो जाएगा टाइम आउट, एंटर। सेलेक्ट करेंगे सारे हेड्स को और यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर देंगे। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। आते हैं राइट साइड में, टोटल आर्स, ब्रेक 1, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे आर्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर हिट करेंगे, इसे ड्रैग कर लेंगे। ये हो जाएगा ब्रेक 2 आर्स। टोटल प्रोडक्टिव आर्स, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, आर्स, एंटर हिट करेंगे। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे। प्रोडक्टिव आर्स परसेंटेज, ऑल्ट प्रेस करेंगे, एंटर हिट करेंगे, परसेंट, एंटर। कॉलम साइज को एडजस्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इन हेड्स को, कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर चेंज कर लेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे। आते हैं लेफ्ट में, B4 पर क्लिक करेंगे और D तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसे आपस में मर्ज कर देंगे। E, F और G को भी सेलेक्ट करेंगे और आपस में मर्ज कर लेंगे।
दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, पूरे रो को सिलेक्ट करते हैं और फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर देते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इसे, फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज कर लेते हैं। ये हो जाएगा एम्प्लॉय नेम। मैं यहाँ अपना नाम इंसर्ट कर देता हूँ, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, आई और जे को सिलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, के और एल को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी आपस में मर्ज कर लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, बॉर्डर्स इंसर्ट कर देंगे, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा मंथ। क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और मंथ्स के नेम सेलेक्ट कर लेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक और करेंगे ओके। तो हमारे यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं जनवरी, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं, होम में जाएंगे और फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे। आते हैं राइट साइड में, एन और ओ को सिलेक्ट करते हैं, इसे आपस में मर्ज कर लेते हैं, कलर इंसर्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा ईयर। क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं डेटा में, डेटा वैलिडेशन, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट, सोर्स, जाएंगे अपने सेटिंग शीट में, ईयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक और करेंगे ओके। हमारे यहाँ ड्रॉपडाउन क्रिएट हो चुका है। सेलेक्ट करते हैं 2024, इसे सेंटर में लेते हैं, होम में जाएंगे और इसे सेंटर में ले लेंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स क्रिएट कर देंगे। आते हैं लेफ्ट में, क्लिक करेंगे B2 पर और एंड तक सेलेक्ट कर लेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, रो साइज़ को इनक्रीज कर लेंगे, रो नंबर 3 को क्लोज ले लेंगे और रो नंबर 5 को भी क्लोज ले लेंगे, यहाँ कोई कलर इंसर्ट कर लेंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे और इसे बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज कर लेंगे। ये हो जाएगा एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ट्रैकर। फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा और इनक्रीज कर लेंगे, वीक ऑफ के कॉलम साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। डेट, हम यहाँ फर्स्ट डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू डेट वैल्यू, ब्रैकेट ओपन, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड सेलेक्ट करेंगे मंथ, एंड सेलेक्ट करेंगे ईयर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ कुछ रैंडम सा फिगर नज़र आ रहा है, इसे सेंटर में लेते हैं, कुछ सेल्स को एक्स्ट्रा सेलेक्ट करते हैं, प्रेस करते हैं Ctrl+1, जाएंगे डेट में और एक डिज़ायर डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। यहाँ 1 January 2024 नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं, यहाँ सेकंड डेट का फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे प्लस या फिर इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन फर्स्ट डेट, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 3 बार, तो हमारा जो सेल नंबर है उसके जस्ट पहले डॉलर इंसर्ट हो जाएगा। इज़ स्मॉलर दैन EO मंथ मीन्स एंड ऑफ द मंथ ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, प्रेस करेंगे फंक्शन F4, तो हमारा सेल नंबर लॉक हो जाएगा, comma 0 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, comma सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट डेट को एक बार फिर से, +1 comma डबल इनवर्टेड comma 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर सेकंड डेट आ चुका है, इसे लेते हैं लेफ्ट में, इसे भी लेफ्ट में ले लेते हैं, डे पर क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, क्लिक करेंगे फर्स्ट डेट पर, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा DDD मीन्स डी 3 बार, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ फर्स्ट डे आ गया है, इसे ड्रैग करते हैं सेकंड डेट में भी। एक बार हम मंथ को डिलीट करके देखते हैं कि यहाँ कुछ एरर नज़र आता है या नहीं। यहाँ पर वैल्यू एरर नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं यहाँ और इफ़ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ ब्लैंक हो चुका है, सेकंड डेट में भी वही करते हैं, जाते हैं फॉर्मूला बार में, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ब्लैंक हो चुका है। हम यहाँ मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं जनवरी, डेट और डे को सेलेक्ट करते हैं और इसे 31st तक ड्रैग कर देंगे, थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं, 31st January तक हो चुका है। चलते हैं ऊपर, सारे हेड्स को सेलेक्ट करते हैं और नीचे तक सेलेक्ट कर लेते हैं, बॉर्डर्स क्रिएट कर लेते हैं, वीक ऑफ्स सेलेक्ट करते हैं टॉप से बॉटम तक, ऊपर की तरफ आते हैं, जाएंगे डेटा में, डेटा वैलिडेशन,
यहाँ से सेलेक्ट करेंगे लिस्ट सोर्स, यहाँ हम टाइप करेंगे यस और करेंगे ओके। इसे सेलेक्टेड रहने देंगे, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, और यहाँ हम टाइप करेंगे यस। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ग्रीन कलर, फॉन्ट, फॉन्ट कलर होगा वाइट, और हम करेंगे ओके। ओके तो हमारा ड्रॉप डाउन क्रिएट हो चुका है और यस भी हाईलाइट हो चुका है। हॉलीडेज, कॉलम साइज को एडजस्ट करते हैं थोड़ा। यहाँ हम वी लुकअप का फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू, डेट होगा हमारा लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल आरे, हम जाएंगे अपने सेटिंग शीट में और हॉलीडेज लिस्ट को हम सेलेक्ट करेंगे टॉप से, प्रेस करेंगे फंक्शन F4 और हमारे सेल्स लॉक हो जाएंगे। हमने वी लुकअप का डेटा सेलेक्ट किया है डेट से, तो डेट्स हो जाएगा कॉलम नंबर 1 और ये हो जाएगा कॉलम नंबर 2। हम देंगे कॉमा, हमें इंसर्ट करना है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कॉलम नंबर है हमारा 2 मींस हॉलीडेज का नेम, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हॉलीडे आ चुका है। इसे नीचे ड्रैग करने से पहले हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेते हैं। अगर हम इफ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट नहीं करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एरर नज़र आ रहा है क्योंकि इन डेट्स में कोई भी हॉलीडेज नहीं है। चलते हैं फॉर्मूला बार में, इफ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आते हैं, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा 2 बार, ब्लैंक के लिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। यहाँ रिपब्लिक डे नज़र आ रहा है और जिन डेट्स में कोई भी हॉलीडेज नहीं है वहाँ पर ब्लैंक नज़र आ रहा है। आते हैं ऊपर की तरफ, वीक ऑफ के जस्ट नीचे क्लिक करेंगे, एंड तक सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर की तरफ आते हैं, जाएंगे होम में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्लासिक। इनकेस आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लासिक का ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट ऑप्शन नज़र आएगा जो कि है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे फर्स्ट हॉलीडे पर, सेंटर से डॉलर को रिमूव करेंगे, इज नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू के लिए हम इंसर्ट करेंगे स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक न हो तो हमारे सेल्स हाईलाइट हो जाने चाहिए। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, यहाँ से हम एक डिजायर्ड कलर सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट, फॉन्ट भी हम डिजायर्ड सेलेक्ट कर लेंगे और करेंगे ओके। ओके तो हमारा न्यू ईयर यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है, हमारा यस भी हाईलाइट हो चुका है येल्लो में। देखते हैं कि इसका क्या करना है हमें। जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, ये हमारा फर्स्ट रूल था यस वाला, इसे हम ऊपर ले लेते हैं और करेंगे ओके। तो यस हमारा ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। वापस से हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल, सेलेक्ट करते हैं क्लासिक और यहाँ से सेलेक्ट करते हैं यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, और हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, क्लिक करेंगे वीक ऑफ के जस्ट नीचे मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ पर हम क्लिक करेंगे, सेंटर से डॉलर को रिमूव करेंगे, इज इक्वल टू डबल इनवर्टेड कॉमा यस, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज। जब यहाँ पर यस हो तो हमारे सेल्स हाईलाइट हो जाने चाहिए। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, फिल, सेलेक्ट करेंगे रेड कलर, फॉन्ट, फॉन्ट कलर को कर लेंगे वाइट और करेंगे ओके। ओके रेड में हाईलाइट हो चुका है सारा। चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, यस को लेते हैं टॉप पर और हॉलीडेज को लेते हैं मिड में और करते हैं ओके। सारी चीज़ें हाईलाइट हो चुके हैं, यस को डिलीट करते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं यस। तो हमारा पूरा का पूरा रो हाईलाइट हो चुका है। टाइम इंसर्ट कर लेते हैं 9 AM। इनकेस आपने 9 AM टाइप किया और यहाँ 9 AM नज़र नहीं आ रहा है तो आप सेलेक्ट करें इसे, टॉप पर आएंगे, आपको प्रेस करना होगा Ctrl+1, जाना होगा टाइम में और एक डिजायर्ड टाइम फॉर्मेट आपको सेलेक्ट करना होगा और करना होगा ओके। हम यहाँ कुछ टाइम इंसर्ट कर लेते हैं ताकि राइट साइड में हम अपने फॉर्मूलाज को कैलकुलेट कर सकें। उससे पहले हम जाएंगे व्यू में, शो और ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देंगे। सारे ग्रिड लाइंस यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। इसे कर लेते हैं 1 PM, इसे भी करते हैं 1 PM, क्लिक करते हैं यहाँ और इसे कर लेते हैं 1:30, ब्रेक 2 4 PM, इसे भी करते हैं 4 PM, क्लिक करते हैं यहाँ, फॉर्मूला बार में जाते हैं, इसे 4:30 कर लेते हैं। सेलेक्ट करेंगे सभी को बॉटम तक, होम में जाएंगे और सारी चीज़ों को सेंटर में ले लेंगे। आते हैं ऊपर की तरफ, टाइम आउट 6 PM, एंटर, सारे टाइम्स को सेलेक्ट करते हैं और इसे नीचे तक ड्रैग कर देते हैं ताकि हम अपना फॉर्मूला आराम से कैलकुलेट कर सकें। चलते हैं ऊपर की तरफ, टोटल आवर्स, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू, इफ ब्रैकेट ओपन टाइम आउट इज ग्रेटर दैन टाइम इन, कॉमा
टाइम आउट माइनस टाइम इन, कॉमा वन प्लस टाइम आउट माइनस टाइम इन, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 24, इंटरप्रेस करेंगे। यहाँ 9 आवर्स आ चुका है, टाइम्स को डिलीट करके देखते हैं कि हमें कुछ एरर तो नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर 24 नज़र आ रहा है। इसे अंडू करते हैं, क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे। इफ़ ब्रैकेट ओपन टाइम आउट इज इक्वल टू ब्लैंक, ब्लैंक के लिए इंसर्ट करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार, कॉमा अगर ये ब्लैंक हो तो हमें ज़ीरो नज़र आना चाहिए, तो हम इंसर्ट करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा ज़ीरो, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब अगर हम सारे टाइम्स को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसे अंडू करते हैं, नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, आते हैं ऊपर की तरफ, ब्रेक वन आर्स, फॉर्मूला हमारा सेम होगा, प्लस या फिर इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन ब्रेक वन का टाइम एंड है उस पर क्लिक करेंगे, इज ग्रेटर दैन ब्रेक स्टार्ट टाइम, कॉमा ब्रेक एंड माइनस ब्रेक स्टार्ट, कॉमा वन प्लस ब्रेक एंड माइनस ब्रेक स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 24, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 0.5 नज़र आ रहा है। यहाँ भी हम इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट कर लेंगे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ़ ब्रैकेट ओपन ब्रेक एंड इज इक्वल टू ब्लैंक, कॉमा अगर ये ब्लैंक हो तो हमें ज़ीरो चाहिए, तो इंसर्ट करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा ज़ीरो, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, 0.5 नज़र आ रहा है। ब्रेक टू में आते हैं, फॉर्मूला सेम होगा हमारा, प्लस या फिर इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन ब्रेक टू एंड टाइम इज ग्रेटर दैन ब्रेक टू स्टार्ट टाइम, कॉमा ब्रेक टू एंड टाइम माइनस ब्रेक टू स्टार्ट टाइम, कॉमा वन प्लस ब्रेक टू एंड टाइम माइनस ब्रेक टू स्टार्ट टाइम, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू 24, एंटर प्रेस करेंगे, 0.5 नज़र आ रहा है, क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे फॉर्मूला बार में और इफ़ का क्राइटेरिया इंसर्ट करेंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन ब्रेक टू एंड टाइम इज इक्वल टू ब्लैंक, जब ये ब्लैंक हो तो हमें रिटर्न में ज़ीरो चाहिए, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा ज़ीरो, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड में आएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर 0.5 नज़र आ रहा है। टोटल प्रोडक्टिव आर्स हमारा फॉर्मूला होगा, प्लस या फिर इक्वल टू टोटल आर्स माइनस ब्रेक वन का आर्स माइनस ब्रेक टू का आर्स, एंटर 8 नज़र आ रहा है। सारे टाइम्स को डिलीट करके एक बार देख लेते हैं, कुछ एरर तो नज़र नहीं आ रहा, कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ कंट्रोल जेड करते हैं या फिर अंडू करते हैं। चलते हैं प्रोडक्टिव आर्स के परसेंटेज में, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू टोटल प्रोडक्टिव आर्स डिवाइडेड बाई टोटल आर्स, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर डेसिमल में नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं, यहाँ प्रेस करते हैं कंट्रोल वन, जाते हैं परसेंटेज में, डेसिमल प्लेसेस इसे ज़ीरो कर लेंगे और करेंगे ओके, यहाँ पर 89% नज़र आ रहा है। डिलीट करके देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर एरर नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं यहाँ और इफ़ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देंगे, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन एंड में आएंगे, कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा दो बार, ब्लैंक के लिए ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ ब्लैंक नज़र आ रहा है, फॉर्मूला बार में जाते हैं, एंड में आते हैं और डबल इनवर्टेड कॉमा के बीच में ज़ीरो इंसर्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ ज़ीरो नज़र आ रहा है। टाइम को सेलेक्ट करते हैं, इसे ऊपर ड्रैग कर लेते हैं, परफेक्ट। अब इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर इंसर्ट हो चुके हैं। आते हैं नीचे की तरफ, रो नंबर 38 को ब्लैंक छोड़ते हैं, क्लिक करते हैं 39 पर, रो साइज़ को इनक्रीज़ कर लेंगे, बी से लेके जे तक सेलेक्ट करेंगे, इसे आपस में मर्ज कर लेंगे, कोई कलर इंसर्ट कर देंगे, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, इसे बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज़ कर लेंगे, ये होगा टोटल, एंटर। यहाँ बॉर्डर इंसर्ट कर लेंगे, इसे ब्लैंक छोड़ते हैं, सेलेक्ट करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेंगे, कोई कलर इंसर्ट कर देंगे यहाँ, फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, फॉन्ट्स को बोल्ड कर लेंगे, फॉन्ट साइज़ को इनक्रीज़ कर लेंगे, परफेक्ट। आते हैं ऊपर की तरफ, टोटल आर्स और ब्रेक आर्स का हम सम करेंगे, आएंगे नीचे की तरफ, हमारा फॉर्मूला होगा प्लस या फिर इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आते हैं ऊपर की तरफ, टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, इसे सेंटर में लेते हैं, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इसे एंड तक ड्रैग कर देते हैं, इसे परसेंटेज में कर लेंगे, यहाँ पर 2756% नज़र आ रहा है,
तो हमें इसका सम नहीं निकालना, हमें निकालना है एवरेज। जाएंगे फॉर्मूला बार में, सम को डिलीट करेंगे और टाइप करेंगे एवरेज। एवरेज यहाँ नज़र आ रहा है, क्लिक करते हैं इस पर। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 89% नज़र आ रहा है। चलते हैं टॉप पर, यहाँ पर बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं। सारी चीज़ें यहाँ हो चुकी हैं। जाएंगे इंसर्ट में, शेप्स और एक डिज़ायर शेप सेलेक्ट कर लेंगे। क्लिक करेंगे, यहाँ शेप को एडजस्ट करेंगे, शेप के कलर को चेंज कर लेंगे, आउटसाइड बॉर्डर को रिमूव कर लेंगे, मीन्स नो आउटलाइन। यहाँ हम टाइप करेंगे न्यू शीट। क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे होम में, सेंटर में लेंगे और मिड में ले लेंगे। फॉन्ट कलर को चेंज कर लेंगे, फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर लेंगे, इसे बोल्ड कर लेंगे और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। परफेक्ट। अब हम अपना मैक्रोज रिकॉर्ड करेंगे ताकि जब हम बटन पर क्लिक करें तो हमारा न्यू शीट क्रिएट हो जाए। क्लिक करेंगे बटन पर, जाएंगे डेवलपर में, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन नज़र आता है रिकॉर्ड मैक्रो का। क्लिक करेंगे यहाँ और मैक्रो का एक नेम दे देंगे। डिलीट करेंगे, न्यू शीट। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम इसको रीनेम करें तो हमें कोई भी गैप नहीं रखना है। हम यहाँ लगाएंगे अंडरस्कोर शीट। आप अगर अंडरस्कोर इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट टाइप कर दें न्यू शीट और करेंगे ओके। अब हम शीट के नेम पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे माउस को, मूव और कॉपी, मूव टू एंड, क्रिएट अ कॉपी, ओके। तो हमारा यहाँ डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो चुका है, इसे हम रीनेम करते हैं न्यू शीट। क्लिक करते हैं यहाँ और इसे डिलीट कर देते हैं। ये चेंजेस हम अपने न्यू शीट में कर रहे हैं, जहाँ हमने एंट्री की वहाँ कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं। डिलीट करते हैं मंथ को, ईयर को भी डिलीट कर देते हैं, वीक ऑफ्स को डिलीट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक। टॉप पर आते हैं, हॉलीडेज़ में हमारा फॉर्मूला है तो इसे हम डिलीट नहीं करेंगे। टाइम इन से लेकर टाइम आउट तक हमने मैनुअली एंट्री की है तो इसे भी हम डिलीट कर देंगे। डिलीट। आते हैं ऊपर की तरफ, नीचे एक बार देख लेते हैं, यहाँ एक एरर नज़र आ रहा है। क्लिक करते हैं यहाँ, जाते हैं फॉर्मूला बार में और इफ़ एरर का क्राइटेरिया इंसर्ट कर देते हैं। इफ़ एरर, ब्रैकेट ओपन, एंड में आएंगे, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा दो बार ब्लैंक के लिए, लेकिन हम यहाँ जीरो इंसर्ट करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में हम इंसर्ट करेंगे जीरो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और हम एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ जीरो हो चुका है। आते हैं ऊपर की तरफ, कॉलम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। एम्प्लॉय नेम के आगे क्लिक करेंगे जहाँ हम अपनी एंट्री करने वाले हैं, जाएंगे डेवलपर में और रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। हमने जो भी स्टेप्स फॉलो किए सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हम न्यू शीट को डिलीट करते हैं। डिलीट। आते हैं अपने ओल्ड शीट में, जो बटन हमने क्रिएट किया था उस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं माउस को, असाइन मैक्रो। हमने ये मैक्रो अभी क्रिएट किया था न्यू शीट के नाम से, क्लिक करेंगे इस पर और करेंगे ओके। तो हमारा मैक्रो असाइन यहाँ पर हो चुका है। क्लिक करते हैं यहाँ। आप गौर करेंगे कि नीचे सिर्फ दो शीट नज़र आ रहा है। जब मैं क्लिक करूँगा न्यू शीट पर तो हमारा ब्लैंक शीट यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है और ये है मेरा ओल्ड शीट। फिर से न्यू शीट क्रिएट करने से पहले आपको इसको रीनेम करना ज़रूरी है। हम इसे रीनेम करके कर देंगे वन। अब हम क्लिक करेंगे न्यू शीट पर, हमारा न्यू शीट इंसर्ट हो चुका है। रीनेम करते हैं टू, रीनेम करते हैं थ्री। तो इस तरीके से आप अपने फॉर्मेट को क्रिएट कर सकते हैं। जब आप एक शीट में पूरी एंट्री कर लें तो आप क्लिक करें न्यू शीट पर और आपका ब्लैंक शीट इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी ट्रैकर बना सकते हैं। मैं इस फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इनकेस आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड बी बेटर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।